के 12 ज्योतिर्लिंग आदिकाल से ही पूजनीय हैं। ज्योति स्वरूप शिव यानी प्रकाश यानी लाइट। इसलिए भगवान शिव के सही स्वरूप को जानना है तो पहले हमें प्रकाश को जानना होगा, और प्रकाश को जानने के लिए अंधियारे को यानी रात्रि को जानना होगा। तभी हमें रात्रि की सही पहचान होगी और हम शिव की रात्रि को समझ सकेंगे। शिवरात्रि के बारे में सबसे पहला प्रश्न उठता है, भगवान के नाम के साथ रात्रि शब्द का उपयोग क्यों किया गया? आखिर क्या संबंध है ईश्वर के नाम के साथ रात्रि शब्द का? जबकि परमात्मा तो प्रकाश का प्रतीक है, तो फिर इस त्योहार का नाम शिवरात्रि क्यों पड़ा? इसका क्या कारण है? जब ईश्वर के साथ रात्रि शब्द जुड़ता है तो इस रात्रि का संबंध 24 घंटे में एक बार आने वाली सामान्य रात के अंधेरे से नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ व्यापक हो जाता है। रात्रि शब्द का आश्रय अज्ञान अंधकार से है, तमोगुण एवं आलस्य से है। रात्रि शब्द प्रतीक है पापाचार का। ऐसा समय कलयुग का अंतिम चरण ही हो सकता है। परमात्मा शिव ऐसे ही अवसर पर अवतरित होकर विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। हर साल मनाए जाने वाला शिवरात्रि का त्योहार तो महज उस घोर कलयुगी रात्रि का यादगार मात्र है, जब परमात्मा ने धरा पर अवतरित होकर विश्व का कल्याण किया था। शिवरात्रि केवल स्मरण उत्सव मात्र है। चलिए अब बात करते हैं शिव शब्द की, और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव परमात्मा का नाम है। परमात्मा शिव के दिव्य जन्म के स्मरण के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। परमात्मा शिव के कार्य के फलस्वरूप विश्व का कल्याण हुआ। शिव सभी मनुष्य आत्माओं का ध्यान अज्ञान निंद्रा को छोड़ पवित्रता महाव्रत की ओर ले जाकर अपना कल्याण करने की ओर खिंचवाते हैं। शिव को स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि शिव को किसी ने जन्म नहीं दिया, बल्कि वह अनादि है। उनकी स्मृति में ही तमेव माताश्च पिता तमेव आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वही सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। उनके कोई माता पिता या जन्म देने वाले नहीं हैं। चलिए बात करते हैं कल्याण की। परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं का क्या कल्याण करते हैं? कल्याण यानी जिस अवस्था में न रोग हो, न शोक हो, न काल हो, न हानि हो, न संकट हो, न विक्षेप हो, वही कल्याण की अवस्था है। कलयुग रूपी रात्रि में ही शिव का इस पृथ्वी पर शिवलोक से आगमन अथवा अवतरण होता है। शिव के दुखहर्ता, सुखकर्ता अथवा हर हर आदि उपनाम भी तभी सार्थक सिद्ध होते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में जन जन के दुख हर कर वह सुख करता है, अर्थात सतयुग की स्थापना करता है। शिव युग प्रवर्तक है, वही कल्प पुरुष है। सृष्टि का रचता परमपिता परमात्मा कहलाता है, परंतु रचना प्रैक्टिकल में, फिर से रचना ब्रह्मा द्वारा होती है, परंतु ब्रह्मा फिर भी प्रजापिता मनुष्य रूप है, तो मनुष्य सृष्टि का रचता अथवा पिता नहीं कहला सकता। इसलिए ब्रह्मा को भी शक्ति चाहिए थी, इसकी शिव की शक्ति। तो ब्रह्मांड द्वारा शिव ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से नई सृष्टि की स्थापना की,
और वो कैसे की? ज्ञान के सूर्य से, ज्ञान प्रकाश से। तो इसकी यादगार है सिर्फ एक पार्वती की कहानी नहीं, हम सब आत्माएं जो एकदम पवित्र स्वरूप थी, हीरे तुल्य थी, वो धीरे धीरे कौड़ी तुल्य बन गई, यानी उनकी शक्ति खत्म हो गई, खोखली बन गई, मूल्य खत्म हो गया जीवन में। तो फिर से परमात्मा शिव का आना, जीवन को हीरे तुल्य बनाना और आत्मा को अपना संबंध याद आया परमात्मा के साथ, तो शिव पार्वती का विवाह, अर्थात जो बिछड़ी हुई आत्मा थी वो फिर से परमपिता परमात्मा से उनका मिलन होता है, और हम सब पार्वतियाँ फिर अपनी वृत्ति को पवित्र दिव्य बनाती हैं जब परमात्मा शिव का अवतरण इसीलिए होता है। लिहाजा निराकार अशरीरी परमात्मा शिव कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उसके मुख द्वारा ज्ञान गंगा बहाते हैं, इसलिए शिव को गंगाधर और सुधाकर अर्थात अमृत देने वाला भी कहते हैं। तो आइए हम सब इस कलयुगी महारात्रि के अवसर पर अपने आत्मिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर शिव की ज्ञान गंगा का सोपान करें, अज्ञान अंधेरे से खुद का जागरण करें, साथ ही सतयुगी रूपी स्वर्णिम सवेरे की प्रकाशवान देवी दुनिया में आने का राज्य भाग प्राप्त करें, जहां सुख शांति आनंद ज्ञान प्रेम और पवित्रता चारों ओर फैली है, जहां दुख शोक रोग और विकारों का नामो निशान नहीं है। आओ भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में, भारत को देवी देवताओं की भूमि बनाने में अपना योगदान दें।